नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार के साथ बैठक में मांगों पर नहीं बनी सहमति, आज दिल्ली कूच करेंगे पंजाब के किसान। पंजाब के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई FIR और अन्य मामले वापस लेने पर सहमति बन गई थी। वहीं किसानों के सभी प्रकार के लोन और कर्ज माफ कर पेच फंसा हुआ था। बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्था परिसर में हुई है। केंद्र की तरफ से बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल रहे हैं। किसानों की ये प्रमुख मांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों की MSP की कानूनी गारंटी की मांग, किसानों और खेत मजदूरों को कर्जा माफी की मांग, लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सभी दोषियों को सजा की मांग, लखीमपुर खीरी कांड में घायल सभी किसानों को वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस रद्द करने की मांग, पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को नौकरी, 200 दिन मनरेगा की दिहाड़ी मिले, 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग, फसल बीमा सरकार खुद करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देते रहिए लुक स्मार्ट।